देपालपुर में शनिवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां देपालपुर के तहसील कार्यालय परिसर में एसडीएम रवि वर्मा, तहसीलदार भास्कर गाजले सहित सभी पटवारी, कोटवार, नगर परिषद व राजस्व के कर्मचारियों ने एक साथ श्रमदान करते दिखे, जहां सभी ने श्रमदान करते हुए नवाचार किया और तहसील कार्यालय परिसर को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। सबसे पहले तो देपालपुर एसडीएम रवि वर्मा ने सभी कर्मचारियों से चर्चा की और सभी को टोलियां बनाकर अलग अलग काम सौंपा, जिसके बाद सभी ने श्रमदान किया और वृहद स्तर पर पौधारोपण करते हुए करीब 200 से ज़्यादा पौधे रोपे। साथ ही आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम से अलग अलग प्रकार के फलदार पौधे बुलवा कर पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान महिला पटवारियों ने भी श्रमदान किया और अपनी सहभागिता निभाई। देपालपुर एसडीएम रवि वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में इसी कड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा और नवाचार करते हुए नगर में भी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इसी तरह से श्रमदान कर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। बैटमा से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हम लोग देपालपुर जो तहसील कार्यालय है, यहाँ पर पूरा जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पर तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी, तो अभी हमने जनभागीदारी के माध्यम से शहर के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग स्वयं आगे आए हैं। कोई हमें चेयर डोनेट किया है, कोई हमें वाटर कूलर डोनेट कर रहा है, किसी ने सड़क बनवाने में सहयोग किया है, कुछ लोगों ने पौधे डोनेट किए हैं। तो हम जनभागीदारी के माध्यम से तहसील परिसर को दुरुस्त करने का कोशिश कर रहे हैं और इसी के क्रम में आज पूरी रेवेन्यू की टीम है। मैं एसडीएम से लेकर पटवारी, कोटवार, तहसीलदार साहब सभी लोग आज फील्ड पे काम कर रहे हैं कि पूरा तहसील हम आज साफ़ कर रहे हैं और इसमें हम प्लांटेशन भी करा रहे हैं। एक प्रयास है कि शासकीय कार्यालय, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि जनता को उचित सुविधाएं शासकीय कार्यालय में मिले, उसी निर्देश के पालन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, आज से श्रमदान की भी शुरुआत हुई है और जिस तरह से इस तरह का जो प्रयास किया है, पहले तो हम लोगों ने आज अपने तहसील, अपने घर को सबसे पहले साफ़ करता है आदमी, तो हमने अपनी तहसील को शुरू किया है। आज कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ के जो लोकल काउंसलर हैं वो भी आए थे, उन लोगों से भी मेरी चर्चा हुई, तो उनका ये कहना है कि इसी प्रकार की मुहिम हम शहर में भी चलाएंगे कि एटलीस्ट सप्ताह में एक दिवस नगर परिषद की पूरी टीम और सभी अधिकारी कर्मचारी आज तहसील कार्यालय में अनुभागीय अधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय, अधिकारी महोदय के नेतृत्व में पूरी तहसील परिसर में तकरीबन 200 कर्मचारी, जिसमें पटवारी और अपने कोटवार, तहसील स्टाफ द्वारा पूरे परिसर की साफ सफाई की। उसके पश्चात एक गार्डन का निर्माण किया, जिसमें 101 पौधे पौधारोपण किया, ताकि संकल्प लिया कि हर एक पौधे को हम जीवित रखेंगे। इसमें विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश से पौधे लगाए, विशाखापट्टनम से पौधे लगाए, जिसमें नारियल, आम और गुलमोहर और फोकस, विविध प्रकार के तकरीबन 101 पौधे लगाए गए। आपका नाम? पटवारी रंजीत दुबे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।